दोस्तों शायद आपके मोबाइल की बैटरी भी कभी ना कभी फूल गई होगी, या फिर आपने देखा है अक्सर मोबाइल की जो बैटरी होती है वो कुछ समय बाद अपने आप ही फूल जाती है। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है, क्यों मोबाइल की बैटरी फूल जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने मोबाइल की बैटरी को फूलने से बचा सकते हैं। तो ये टिप्स कौन से हैं और मोबाइल की बैटरी क्यों फूलती है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी कैन चैनल में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में मोबाइल की बैटरी क्यों फूल जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ कि क्यों मोबाइल की बैटरी फूल जाती है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ और साथ ही साथ रीज़न बताने वाला हूँ कि किन कारणों की वजह से हमारा जो मोबाइल का बैटरी है वो फूल जाता है। दोस्तों आजकल लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और लगभग सभी स्मार्टफोनों के अंदर लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। लेकिन बैटरी कितना भी स्मार्ट हो, कितनी ही टेक्नोलॉजी का क्यों ना हो, एक समय बाद वो बैटरी खराब हो ही जाता है, बैटरी फूल ही जाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बैटरी फूल जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर में बैटरी क्यों फूल जाता है, आपके मन में भी ये सवाल होगा। तो दोस्तों आप खुद बताओ, कोई भी चीज़ कब फूलती है? कोई भी चीज़ तब फूलती है जब उसमें कोई पानी भर दे, या फिर कोई चीज़ ज़बरदस्ती से ठूस दे, या फिर उसमें गैस भर जाए, तो वो चीज़ अपने आप फूल जाती है। तो दोस्तों सेम इसी तरह हमारी जो बैटरी है उसमें गैस भरने की वजह से हमारा जो बैटरी है वो कुछ समय बाद अपने आप ही फूल जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हमारे मोबाइल की बैटरी में ये गैस कहाँ से आता है, कैसे गैस भर जाता है? तो चलिए एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं कि आखिर में मोबाइल की बैटरी में गैस किस तरह भर जाता है, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लो ये हमारे मोबाइल की बैटरी है, और मोबाइल की बैटरी के बेसिकली दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव साइड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव साइड को कैथोड कहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है कभी, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को प्लग इन करते हैं, चार्ज करना शुरू कर देते हैं, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर आपको पता हो, केमिकल रिएक्शन जहाँ पर भी हो वहाँ पर गैस ज़रूर निकलती है। तो हमारा जो मोबाइल का बैटरी होता है उसके अंदर एक मटेरियल होता है, तो इन मटेरियल के बीच में बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और ये मटेरियल बेसिकली रैप होता है, यानी ढका होता है एक कवर से, जिससे बाहर किसी भी तरह का गैस वैस नहीं जा पाता। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है तो धीरे धीरे हमारे मोबाइल की जो बैटरी के अंदर गैस जमना शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जब गैस जमना शुरू हो जाता है तो हमारे जो मोबाइल की बैटरी में पूरी तरह गैस भर जाती है, और एक समय बाद हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो फूल जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमारे मोबाइल की बैटरी में कैसे गैस भर जाता है, और कुछ समय बाद यही गैस फुल होने के बाद हमारे जो मोबाइल की बैटरी है वो ऑटोमेटिकली फूल जाती है। तो इस गैस को भरने के लिए बेसिकली टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपके मोबाइल की बैटरी पे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, मैंने कोई केमिस्ट्री में PhD तो नहीं की है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को इसे डिटेल्स में दूँ कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और किस तरह की गैस निकलती है। मुझे जितना मालूम था मैंने शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर में किन कारणों की वजह से, किन गलतियों की वजह से हमारा जो मोबाइल का बैटरी है वो फूल जाता है, वो भी बहुत जल्दी, और इसे कैसे बचे। तो बेसिकली मोबाइल की बैटरी जो फूलती है उसके पीछे कहीं ना कहीं तीन मेन कारण होते हैं। नंबर वन, मोबाइल फ़ोन का गर्म होना। मोबाइल की बैटरी फूलने के पीछे कहीं ना कहीं जो मेन कारण है वो है मोबाइल फ़ोन का गर्म होना। आपने देखा होगा जब भी आपका मोबाइल फ़ोन गर्म होता है तो आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने लग जाती है। तो जब आपका मोबाइल फ़ोन गर्म होता है तो आपके मोबाइल की बैटरी पे जो केमिकल रिएक्शन होता है वो काफ़ी तेज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी गंदा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल का बैटरी है वो काफ़ी जल्दी फूल जाता है। तो कोशिश करें जब आपका मोबाइल गर्म होगा या फिर आपके मोबाइल की बैटरी काफ़ी हीट करने लग जाती है तो ऐसे में मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे और मोबाइल की बैटरी को निकाल के कुछ देर के लिए 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दे, जब तक ये वो ठंडा ना हो जाए। तो जैसे ही वो ठंडा हो जाता है उसे वापस बैटरी लगा लीजिए और नॉर्मल फ़ोन की तरह इस्तेमाल कर ले। तो कोशिश करें अपने मोबाइल फ़ोन को गर्म ना होने दे। नंबर टू, ओवरचार्जिंग। ओवरचार्जिंग भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो फूल जाती है। अब ओवरचार्जिंग की प्रॉब्लम तब नहीं होती जब आप ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करते हैं। ओवरचार्जिंग की प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी भी तरह के नकली या फिर डुप्लीकेट चार्जर को अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो कोशिश करें हमेशा ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करें ताकि आप अपने मोबाइल को ओवर चार्जिंग से बचा सके। तो अगर आप नकली चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में डर है कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो फूल जाए या फिर हो सकता है आपके मोबाइल में ब्लास्ट भी हो सकता है। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब भी हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ जो भी हमें बैटरी मिली हो उसमें मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो, यानी वो पहले से ही एक डिफेक्टिव पीस हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपको जो मोबाइल में बैटरी मिला हो वो एक घटिया क्वालिटी का हो, जिसके वजह से हमारे जो मोबाइल की बैटरी है वो काफ़ी जल्दी फूल जाती है या फिर ख़राब हो जाता है या फिर कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आपके मोबाइल की बैटरी कभी भी थोड़ी सी भी फूल जाती है तो उसे जल्दी से बदलने की कोशिश करें, हो सकता है इसके चक्कर में आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने मोबाइल की बैटरी को फूलने से बचा सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो क्यों फूलती है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे फूलने से बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।